घटना हुई है, हम सब जानकारी में है। कल रात को 8:30 बजे के आसपास की बात है, डंपर ऊपर से आने में न्यूट्रल में था, क्या कारण है मालूम नहीं, लेकिन आमने सामने की टक्कर हुई, दोनों ड्राइवर ख़त्म हुए। लगभग कई सारे लगभग 13 लोगों के अंदर जल के मरने की खबर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी घटना की जानकारी लेकर के एक एक व्यक्ति पे जो भी दोषी होगा उसको उस पर कठोर कार्रवाई होगी। यद्यपि प्रार्थना पेशी जैसी स्थिति बनी है, सभी अलग अलग प्रकार की बातें आ रही है, सबको सुनने के बाद दो निर्णय तो मैंने करे हैं कि एक तो RTO तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण से इनकी समय समय पर चेकिंग होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो और जल्दी पहुंचती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो CMO को भी सस्पेंड करने का निर्देश जारी कर रहा हूँ, और बड़े अधिकारी जो भी होंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे।